हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च एचपी विक्टस गेमिंग लैपटॉप। ये लैपटॉप एचपी ने फिलहाल ही में लॉन्च किया है, अभी सितंबर 2024 के अंदर लॉन्च किया है। ये लैपटॉप राइजन 7 8000 सीरीज के साथ लॉन्च किया है। जी हाँ, राइजन 7 8000 सीरीज AI एनेबल्ड प्रोसेसर है, उसके साथ गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको हम इसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कह दूं, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये लैपटॉप हमें मिला है दिल्ली के अंदर ओमेन प्लेग्राउंड यानी कि एचपी वर्ल्ड से, जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हाइब्रिड स्टोर है, वन एंड ओनली हाइब्रिड स्टोर है। यहाँ पे मोस्टली एचपी के सारे गेमिंग लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। अनबॉक्स होने के बाद ये लैपटॉप उन्हीं डीलर के थ्रू वापस चला जाएगा। अगर आपको कोई भी गेमिंग या कोई भी एचपी से रिलेटेड प्रोडक्ट या लैपटॉप चाहिए तो आप इस स्टोर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो का रेफरेंस देंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप अपने अनबॉक्स कर लिया है कि जैसे कि हर बॉक्स में आपको पावर कोड मिलती है, 200 वाट का पावर अडेप्टर है इसमें, आप देखेंगे राउंड पिन के साथ पावर अडेप्टर आपको इस पे मिलता है। ये है हमारा लैपटॉप परफॉर्मेंस ब्लू कलर का। अप्रोक्सीमेटली वेट की बात करूं तो 2.5 केजी इसका वेट है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो देखिए, बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं विक्टस के ऊपर, लेके विक्टस की क्वालिटी अल्टीमेट है। अगर आप बात करें एक मिड रेंज की तो बहुत अल्टीमेट, आप ओमेन से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, जो एचपी के ओमेन आते हैं बहुत हाई क्वालिटी में है। अगर हम इसकी बात करें स्लीक नेक्स की, तो देखिए बहुत गेमिंग लैपटॉप को पता है स्लीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी काफी स्लीक करने की कोशिश कर रही है। बैक पैनल देखेंगे तो वेंटिलेशन काफी बड़ा है इसका, रबड़ ग्रिप इसमें आपको मिल जाती है लैपटॉप स्लीक ना, और आपका एयर पास होने के लिए काफी स्पेस रहे। आप ये देखिए, साइड में भी आपको यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं, पोर्ट्स भी अभी आपको दिखाते हैं। बात करते हैं वॉबलिंग की, वॉबल होता है या नहीं होता। अगर हम लैपटॉप के एक हाथ से ओपन किया तो यानी जो बॉडी रेशियो है, वेट रेशियो है, वो काफी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप एक हाथ से लैपटॉप को इजीली ओपन कर सकते हैं और वॉबलिंग भी हमें देखने के लिए इस लैपटॉप में नहीं मिली है। लैपटॉप के राइट साइड में आपको चार पोर्ट देखने के लिए मिलेंगे, जो सबसे पहला पोर्ट है वो आपका चार्जिंग के लिए, दूसरा आपको मिलता है 5 Gbps सिंगल ग्रेड के साथ USB टाइप ए, इसमें आपको HP स्लीप एंड चार्ज की ऑप्शन भी मिलती है, तीसरा आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक आपके हेडफोन माइक कनेक्ट करने के लिए, और एक आपको मिलता है SD कार्ड रीडर। अगर हम बात करेंगे लैपटॉप के लेफ्ट साइड के अंदर तो यहाँ पे भी देखिए आपको चार पोर्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे जो सबसे पहला पोर्ट है वो है आपका HDMI 2.1, आपका LED TV कनेक्ट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलेगा USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, एक आपको मिलता है RJ45 कनेक्टर जो 10x100x1000, उसके बाद आपको एक मिलेगा टाइप सी 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। दोस्तों, अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो इसमें प्रोसेसर आपको HP ने अपने इस लैपटॉप में दिया है AMD Ryzen 7 8845 HS विद रेडियन 780M ग्राफिक्स के साथ। जब हम बातें कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इंटेल की, तो इंटेल में अल्ट्रा कोर सीरीज शुरू हो चुकी है और AMD ने वैसे तो अपने 7000 सीरीज के अंदर AI लॉन्च कर दिया था, लेकिन जो डेडिकेटेड प्रॉपर वे में लॉन्च किया है वो 8000 सीरीज में किया है। AI एनेबल्ड प्रोसेसर है। अगर हम इसकी बात करेंगे, बेस स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है, मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी 5.1 गीगाहर्ट्ज़ आपको मिलती है। बात करेंगे 8 कोर्स की, लॉजिकल प्रोसेसर 16 है और L3 कैशे भी 16 है। देखिए, अगर हम प्रोसेसर की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है, 4 नैनोमीटर। उसके अलावा 8 कोर्स हैं और आपको AI एनेबल्ड प्रोसेसर है। AI इसके अंदर अगर आप NPU की बात करेंगे तो 16 टॉप्स इसमें आपको मिल रहा है। अगर पूरे प्रोसेसर की AI की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 38 टॉप्स आपको मिलता है। टॉप्स की आपको मैंने पहले ही बताया था, टॉप्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड होता है, यानी 38 ट्रिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड। ये प्रोसेसर बहुत हैवी प्रोसेसर है जो AMD ने लॉन्च किया है और HP ने अपने इस लैपटॉप में आपको दिया है। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हमेशा कहता हूं कोर्स पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, 12 कोर सिर्फ 14 कोर। अगर आप 14 कोर का प्रोसेसर भी उसके अंदर इंटेल में ले रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस कोर सिर्फ 6 होते हैं, 8 एफिशिएंट कोर और 2
लो एफिशिएंट पावर कोड होते हैं, लो पावर एफिशिएंट कोड, इसीलिए यहाँ पे आपको 8 के 8 परफॉर्मेंस स्कोर मिल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर देगा आपको। रैम हम देखते हैं तो 16 GB की, इसमें DDR5 में आपको रैम मिलती है 5600 MHz की। अब ये रैम इनबिल्ट है या नहीं, अलग से लगी हुई है, ये लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। डिस्क की बात करेंगे तो 512 GB की सैमसंग की SSD आपको मिलती है, इसमें जेन 4 की GPU। जी हाँ, विक्टस है, गेमिंग लैपटॉप है तो आपको पता है ग्राफिक्स तो आपको मिलेगा ही। इसमें आपको मिलता है NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB का डेडिकेटेड 6GB ग्राफिक्स आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आप शेयर करेंगे तो 7.6 टोटल 13.6। हमारा मेन मकसद है सिर्फ डेडिकेटेड देना, देखना 6GB का 4050 NVIDIA GeForce RTX आपको ग्राफिक्स इसमें मिल जाता है। AMD ग्राफिक्स रेडियन जो प्रोसेसर के अंदर होता है वो भी आपको इसमें 448 MB का मिलता है डेडिकेटेड, जो आपके प्रोसेसर में ही मेमोरी होती है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा इसमें मिला है इस लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर है, जो बहुत हैवी प्रोसेसर HP ने अपने इस प्रोसेसर लैपटॉप में दिया है। TGP देखें तो आपको इसके अंदर 75 TGP आपको मिलता है, मैक्सिमम पावर ग्राफिक्स है वो है 75 W की। इसमें आपको 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन 1920x1080 मिलेगा। रिफ्रेश रेट की बात करेंगे 144 Hz रिफ्रेश रेट है, माइक्रो एज है, एंटी ग्लेयर है, 300 nits है एंड 62.5% sRGB आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको 720p वेबकैम मिलता है विद डुअल एरे माइक्रोफोन के साथ। 15.6 इंचेस में फुल साइज बैकलिट परफॉर्मेंस ब्लू कलर का कीबोर्ड मिलता है विद न्यूमेरिक कीपैड के साथ। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए लैपटॉप में आपको दो फैन दिखाई दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली कि अगर गेमिंग लैपटॉप है तो दो आपको फैन देखने को मिलेंगे, एक ग्राफिक्स के लिए, यहाँ आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ ग्राफिक्स लगा हुआ है, दोनों कनेक्टेड है हीट सिंक के थ्रू फैन के साथ। यहां जो कवर करके रखा हुआ है आप देखेंगे, ये रैम है 8 GB की दो लगी हुई है, अगर आपको अपग्रेड करनी है तो दोनों को रिमूव करनी पड़ेगी, 16 GB की दो या 32 GB की आप दो भी लगा सकते हैं। आप बहुत इजीली 64 GB तक इस लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी 512 GB की SSD लगी हुई है और जो FB2117 मॉडल है उसमें 1 TB की SSD आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो 2 TB तक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन लगी हुई SSD है जो उसको रिमूव करना पड़ेगा तभी लगा पाएंगे। यहाँ आपको मिल रहा है वाईफाई कार्ड, वाईफाई आपको इसमें मिलता है 6E और ब्लूटूथ 5.3। ये आप देख रहे हैं 4 और 70 वर्क आवर्स की बैटरी है, जिसके बैकअप डिपेंड करेगा कि आप क्या वर्क कर रहे हैं। 3 आवर्स से आपको 7 आवर्स तक आपका इसका बैटरी बैकअप मिल सकता है। यहाँ आपके दो स्पीकर्स लगे हुए हैं। आज हमने जो लैपटॉप अनबॉक्स किया है वो है HP Victus FB2114AX। कंपनी ने इसमें दो मॉडल लॉन्च किए हैं, एक है 2114AX और दूसरा है 2117AX। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, जो 2117AX है वो 1 TB के साथ है, जो 2114AX है वो हमारा 512 GB SSD के साथ है। ये दोनों ही मॉडल आपको मार्केट में 80,000 to 90,000 के अप्रॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर ये लैपटॉप आपने लेना है तो जहां से हमें ये लैपटॉप मिला है दिल्ली के अंदर करोलबाग ओमेन प्लेग्राउंड से, वहां पे एक बार जरूर चेक करिएगा। देखिए HP इसके साथ आपको 1 ईयर की ऑनसाइट वारंटी दे रहा है, अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप HP से ही कराइएगा, एक्सीडेंटल वारंटी भी लेना चाहते हैं तो HP से ही लीजिएगा, थर्ड पार्टी बिल्कुल मत लीजिएगा। HP पानी गिरने कॉफी गिरने तक की भी इसमें वारंटी देता है। मार्केट में काफी लोग ये अपनी वारंटी बेचने के लिए ये कहते हैं कि HP कॉफी या पानी की नहीं देता, HP एक्सीडेंटल डैमेज में पानी और कॉफी की भी आपको वारंटी देता है। देखिए 8000 सीरीज का हमने इसमें प्रोसेसर देखा है AMD राइजन का। AMD जो 7000 सीरीज लेके आया था अपने गेमिंग लैपटॉप के लिए उसमें भी AI एनेबल्ड था, लेकिन उसका अगर हम टॉप्स की बात करें तो वो मैक्सिमम 10 टॉप्स तक था, लेकिन इसके अंदर हमें 38 टॉप्स तक प्रोसेसर के साथ जो परफॉर्मेंस मिलती है वो 38 टॉप्स तक मिलती है। तो आपने अगर AI के लिए भी लेना है और आपने गेमिंग भी करनी है, आपने वेब डिजाइनिंग भी करनी है तो ये लैपटॉप जो है बिल्कुल परफेक्ट कलर में है, परफॉर्मेंस ब्लू कलर के अंदर HP ने ये लैपटॉप लॉन्च किया है। अगर हम गेमिंग के देखें तो 144 Hz की स्क्रीन आपको इसमें मिल रही है, फुल HD स्क्रीन है, प्रोसेसर भी हाई है, रैम भी हमने देखा DDR5 रैम आपको इसमें मिली है। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर भी आपको वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो जरूर पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की। और आपका कोई सजेशन हो हमारे लिए जो हम फ्यूचर में यूज करें कुछ टेक्निकल ऐड करने के लिए या कुछ भी, तो हमें जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।